जय श्री हरि विष्णु। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। हम महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है और मनुष्य के शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी शौनकादि ऋषियों से गरुड़ महापुराण का दिव्य व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठों, जब गरुड़ देव ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से विनय पूर्वक आग्रह किया और पूछा कि हे प्रभु, जीवात्मा किसी भी प्राणी के शरीर को कैसे छोड़ती है तथा आत्मा के शरीर से अलग होते समय शरीर की कैसी दशा होती है, मृत्यु क्या है, मृत्यु का स्वरूप कैसा है और मृत्यु कैसे होती है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और मेरी जिज्ञासा को शांत करने की कृपा कीजिए। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे विनीता पुत्र, अब मैं तुम्हारे संशयों को दूर करते हुए तुम्हें आत्मा के शरीर से मुक्त होने अर्थात व्यक्ति की मृत्यु का वर्णन तुम्हें सुनाता हूँ। हे गरुड़ देव, प्रकृति परिवर्तनशील है और निरंतर बदलती रहती है। पतझड़ में पेड़ के हरे पत्ते सूखकर और पीले होकर नीचे गिर जाते हैं और बसंत में पुनः से हरे पत्ते उग जाते हैं। शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु और फिर शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु दोबारा से आती है। यह सब निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी पहले शिशु, फिर बालक और फिर युवा और अंत में वृद्ध हो जाता है। जो प्राणी इस संसार में उत्पन्न होगा उसका इस संसार को छोड़कर जाना भी निश्चित है, अतः समयानुसार यह क्रम चलता रहता है। इसी क्रम में जब व्यक्ति अपनी औसत आयु को पूर्ण कर लेता है और स्वाभाविक मृत्यु के द्वारा उसका इस संसार को छोड़ने का समय निकट आता है, तो आत्मा के शरीर से मुक्त होने से पहले उस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार की व्याधियां अर्थात रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि मस्तिष्क का रोग, आँखों का रोग, कानों का रोग, नाक का रोग, मुंह का रोग, गले का रोग, हृदय का रोग, उदर रोग, पैरों का रोग इत्यादि कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। उसका कंठ अवरुद्ध होने लगता है, उसकी आँखों में आंसू आने लगते हैं, उसका शरीर पंगु होने लगता है, उसकी हृदय गति रुक जाती है, हृदय सुन्न हो जाता है, उसे अत्यंत घुटन महसूस होती है। उसने अपने जीवन में जो भी शुभ अशुभ कार्य किए और जो जो उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई होंगी उन सभी का स्मरण उसे होता रहता है। यह सब एक चलचित्र की भांति उसकी आंखों में दिखता रहता है। इस भावना के दौरान उसके मन में जीवन भर अर्जित संपत्ति और प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है, जिसके कारण उसके प्राण निकलते समय उसे अत्यधिक कष्ट और अत्यंत दुख होता है। इस समय वह अपने प्रियजनों को पुकारता है और उनसे बात करना चाहता है, उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन सामर्थ्य विहीन होकर कुछ कह नहीं पाता और उसकी बातों और संकेतों को पास बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता है। जब उसकी सांस रुकने को होती है तब वह सांसों को वापस लाने के लिए संघर्ष करता है। उसे बहुत बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि नाड़ियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होने लगते हैं। उसकी पांचों इंद्रियां अर्थात स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण की इंद्रियां एक एक कर शिथिल होकर लुप्त होती जाती हैं। श्रवण शक्ति सबसे अंत में लुप्त होती है। जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है। एक बिच्छू के काटने से जितना दर्द होता है उसके कई गुना बिच्छुओं के काटने का दर्द उसे महसूस होता है। तब उसके प्राण निकालने के लिए यम के दो दूत आते हैं और उसके अचेतन शरीर से उसके प्राणों को बाहर खींच लेते हैं। यह प्राण ही आत्मा है। व्यक्ति के शरीर में नौ द्वार अर्थात दो आँखें, दो कान, दो नथुने, एक मुंह और दो मल मूत्र त्यागने के द्वार होते हैं, जबकि एक ब्रह्म रंध्र होता है जो सिर के मध्य भाग में होता है। यह दसवें द्वार के रूप में जाना जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यम के दूत आत्मा को इन्हीं द्वारों से शरीर से बाहर खींचते हैं। यह सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसकी आत्मा किस द्वार से शरीर छोड़कर बाहर निकले। जो लोग श्रेष्ठ योगी, संत महात्मा, ऋषि मुनि, सर्वहितैषी और भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने वाले होते हैं उनकी आत्मा अपने आप ब्रह्म रंध्र से देह का त्याग करके बाहर निकल आती है। जो लोग धर्मपरायण, भागवत कथा का प्रचार प्रसार करने वाले और मधुर वाणी वाले होते हैं उनकी आत्मा मुख के द्वार से बाहर निकलती है। जो लोग सदाचारी और भागवत कथा सुनने वाले होते हैं उनकी आत्मा कान के द्वार से निकलती है। जो लोग सत्यकर्मी और दूर दृष्टि वाले होते हैं उनकी आत्मा आँख के द्वार से निकलती है। जो लोग अच्छी विचारधारा और सहयोगी स्वभाव वाले होते हैं उनकी आत्मा नाक के द्वार से निकलती है।
और जो लोग अत्यंत पापी, क्रूर, गंदी विचारधारा वाले, अत्यधिक झूठ बोलने वाले और दूसरों का अनिष्ट करने वाले होते हैं, उनकी आत्मा को यम के दूत मल मूत्र त्यागने वाले द्वार से बाहर खींचते हैं। जब आत्मा मुख के द्वार से निकलती है तो मुख से झाग या फेन निकलता है। जब आत्मा आँख के द्वार से निकलती है तो आँखें उभर कर बाहर निकल आती हैं। जब आत्मा कान के द्वार से निकलती है तो कान से मवाद या मैल निकलता है। जब आत्मा नाक के द्वार से निकलती है तो नाक से गंदा पानी निकलता है। और जब आत्मा मल मूत्र त्यागने वाले द्वार से निकलती है तो इन द्वारों से मल व मूत्र बाहर निकल आता है। इस प्रकार यम के दूतों द्वारा आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर अलग किया जाता है। तो यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा के शरीर से मुक्त होने के बारे में एक छोटी सी जानकारी।